नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक रजक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे आके टाइप करना होगा यूपी पॉलिटेक्निक। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं आपके सामने पहली वेबसाइट यूपी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। आपको इस पे क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आप यूपी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड ग्रुप ए थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड E1 E2 फार्मेसी थ्रो एप्लीकेशन एंड पासवर्ड। और नीचे आएंगे तो लिखा गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड ग्रुप ए थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से देखना चाहते हैं तो आप पहले वाले पे क्लिक कीजिए। अगर एडमिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से चेक करना चाहते हैं तो आपको तीसरे नंबर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक अलग सा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। तो आप यहाँ से सारे डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ एप्लीकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप ए। उसके बाद यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो चलिए हम यहाँ से अपने एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ से ये कैप्चा कोड डालना होगा। तो चलिए यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे एक सिक्योरिटी पिन दिया है, इस पिन को यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से ये पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद नीचे देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके फॉर्म संबंधित सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं लिखा गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा और आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड ओपन हो चुका है पूरी तरीके से। PDF फाइल के रूप में आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एडमिट कार्ड पूरी तरीके से आ चुका है। यहाँ देखिए लिखा गया उत्तर प्रदेश ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन UPJJEE पॉलिटेक्निक 2020 ऑनलाइन एडमिट कार्ड। तो इस तरीके से आप भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।